अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त आपका भाई शोएब फरीदी और आज लुधियाना में आए हुए हैं उस्ताद जी की छत पे और इनके शागिर्द भी साथ में आज वो उस्ताद जी से आपको मिलवाते हैं। उस्ताद जी कैसे हाल हैं? बहुत ठीक ठाक है, बढ़िया। उस्ताद जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम धीरेंद्र सिंह पिंडा। उस्ताद जी ने अपना नाम बता दिया। उस्ताद जी के शागिर्द भी साथ में हैं। उस्ताद जी आपके शागिर्द हैं? अच्छा जी, नाम बताएं जी। अच्छा जी, पप्पू भाई। अच्छा जी, बिट्टू बस्ती दो। बिट्टू भाई और अपने ये भाई ये आए हुए हैं मिस्त्री। मिस्त्री जी आए हुए हैं। अच्छा, शागिर्दी है। एक पीछे बैठे हुए हैं पाजी, ये भी अपनी मेरा पोता चल रहा है। अच्छा जी, अच्छा। लुधियाना की जो है मतलब चैंपियन छत है और यहाँ पे उस्ताद जी ने पूरा पंजाब भी जीता हुआ है और उस्ताद जी बाजियां भी उड़ाई हैं यहाँ पे। किस टाइम तक आपके कबूतर इस छत पे गिरे हैं? देखो जी, टूर्नामेंट दे विच कबूतर 6:07 दे बैठे हैं। अच्छा जी, अच्छा। वो पंजाब दा टूर्नामेंट ओदे विच भी असीं इनाम जीतिया। अच्छा जी, ऑल पंजाब च। अच्छा, पूरा पंजाब उस्ताद जी ने जीता हुआ है यहाँ पे। पूरे पंजाब च 6:07 दे कबूतर बैठे सी। अच्छा जी, जो 2007 की गल है। 2007 की, 2007 की मई के महीने में उड़े हैं कबूतर। मई में उड़े हैं। कितना टेम्परेचर होगा उस्ताद जी? उस टाइम तो टेम्परेचर भी ज्यादा होता था, हुन तो घटे बहुत है। अच्छा अच्छा, 40 तो ऊपर ही होता था टेम्परेचर। अच्छा जी, ते एक मेरा ढोले वाला शागिर्द है अम्मा। अच्छा जी, उन्हे भी टोटल पंजाब जीतया। पूरा पंजाब जीता है? पूरा पंजाब जीतया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। की छंटी है आलमगीर। अच्छा जी, उन्होंने लगातार 2 साल टूर्नामेंट जीता पंजाब का। लगातार लगातार हाँ जी, लगातार। पहले साल भी, दूसरे साल भी, बिल्कुल। तीसरे साल पंजाब वालों ने बताया ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने उस्ताद जी ने जो है मतलब इनके शागिर्द भी काफी है इनके और पूरा पंजाब जीता हुआ है इसी छत पे। ये चैंपियन छत है लुधियाना की और आप शौक कर आए जी जो आपके चैंपियन कबूतर रह चुके हैं इस छत पे। तकरीबन कबूतर तो सारे ही बढ़िया हैं पर जो ज़्यादा अच्छे से भी अच्छा ढूंढते हैं ना कबूतर एंड है बिल्कुल वो दिखाएंगे। उस्ताद जी को देंगे। बैठना, तुम भी कुर्सी ले लो। कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो। जितना कबूतर उड़ाया इनका, ये देखिए जितना उड़ाया उतना ही बताया है। बच्चे कितने उड़े हैं उस्ताद जी? बच्चे तो इसके 14 घंटे उड़ जाते हैं। 14 घंटे इसके बच्चे उड़ते हैं। ये इनकी उस्तादी है जो इन्होंने जोड़ लगा के बच्चे को उड़ाए हैं। ये उस्तादी है इनकी, इसको बोलते हैं उस्तादी। ये मादी लगाई है इसके साथ। क्या बात, मादी देखो कितनी बारीक सी है। पंजे देखना इसकी कितनी जामनी है। ये देखने को मिलते नहीं है पंजे। ये देखो जोड़ लगाने की कलाकारी है। ये इनकी उस्तादी है जो इन्होंने मतलब कबूतर कम उड़ाए बच्चे इन्होंने 14 घंटे उड़ा दिए। पुत भी कद लिया इधर ही आ जो 14 घंटे उड़िया। और जो ये अपने बिट्टू भाई हैं इनके मतलब इनका क्या रहा है मतलब? इसी जोड़े दे बच्चे इधर कोल 6:26 दे 6:26 टूर्नामेंट में। टूर्नामेंट में लुधियाना में। लुधियाना के टूर्नामेंट में मतलब फर्स्ट नंबर आया। बिल्कुल, ये बस्ती का चैंपियन है। बस्ती के चैंपियन रह चुके हैं ये बिट्टू भाई। बस्ती के बिल्कुल ऑल बस्ती का टूर्नामेंट उड़िया और वे चैंपियन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उसका है बच्चा जो मेरे पास 14 घंटे उड़ गया। अच्छा, जो 14 घंटे उड़ गया है जौनसिरा कबूतर उसका बच्चा है। ये भी उड़ाया है? ये भी उड़ता। अच्छा, ये 14 घंटे उड़ा। ये 14 घंटे उड़ाया है। ये देखो मतलब इनकी कबूतर की कोई था नहीं है कितने उड़ जाए। इसके देखें, ये कप कपाट देखें इसके ऊपर। ये देखें आँख की क्लियरिटी देखो, तिल का झुकाव बिल्कुल चोंच की तरफ।
और पूंछ एक पत्ते की पूंछ। ये वो मखियाला है जिसकी मैंने एहसान भाई की जो वीडियो बनाई थी, जो इनके शागिर्द हैं आज इनकी छत पे खुद मौजूद हैं हम इनकी उस्ताद जी के। ये वो मखियाला है, इसकी मतलब जो चलते आ रही है, इसकी नस्ल ही चलती आ रही है इनके पास। ये वो बड़ा मखियाला है कबूतर है, मैं छोड़ के भी दिखाऊंगा आपको, कबूतर ही बहुत ज़बरदस्त है। ये कबूतर है, ये मादी लगाई है इस मखियाले से, बच्चे बहुत कलर के बनाए इन्होंने। आंख देखें इसकी आप, आंख किस तरीके है इसकी, गंजी है कबूतरी है। अच्छा पुरेद में चढ़ी है। ये देखते हैं पर का वजूद देखो आप, इसके पर की मुलायमियत देखें आप, ये चीज देखने वाली है। पर पैर मैंने इतने जामनी नहीं देखे हैं, इन्हीं की छत पे देखे हैं मैंने इतने जामनी पैरों के कबूतर। ये मादी मखियाले से लगी हुई थी। हाँ जी, मखियाले की मादी। बिल्कुल। ये क्या है जी उसका जी, किन में से है? एक कबूतरी है जी, ये नर है इसका। अच्छा ये नर है, ये मादी है? ये मादी है। उड़ाई हुई है? ये मादी नहीं उड़ाई, मादी भी नर भी नहीं उड़ाया। अच्छा बच्चे, लेकिन बच्चे इनके 12 घंटे 13 घंटे 12 13 घंटे, क्या बात है। देखिए ये जोड़ लगाया उस्ताद जी ने, कितने बजे तक उड़ाए थे? कोले उड़े 6:30 6:30 उड़े हैं बिट्टू पाजी के घर पे इनके बच्चे इसी जोड़ी के। ये कबूतर छोड़ के दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। वो कहते हैं ना कबूतर छोड़ के नहीं दिखाया तो कबूतर का वजूद नहीं पता लगता, मैं छोड़ के दिखा दिया कबूतर इसलिए। ये मदीना है, ये नर है। ये देखो वो कहते हैं ना रिंग की, तो उस्ताद जी फिर वैसी ही बात है बनाई हुई है। ये देखो इसकी कबूतरी की आंख में रिंग ही नहीं है बिल्कुल भी, उड़ान पूरी है। बच्चे बहुत उड़ते हैं, बच्चे बहुत उड़ते हैं, इनका बच्चा भी दिखाते हैं। पाकिस्तानी कबूतर है। अच्छा, इसकी तो मैंने बहुत नाम सुना है कबूतर, लो आज देखने को भी मिल गया। ये पाकिस्तानी कबूतर है, ये है पाकिस्तानी कबूतर। आंख देखो इसकी, बिल्कुल अजीब ही आंख है। ये देखो पैर देखो इसके पंजे। तो उस्ताद जी इसके बच्चे कितने उड़े हुए हैं? इसके बच्चे जी उड़ जाते हैं 10-12 घंटे उड़ते हैं इसके, 10-12 घंटे। कबूतर बहुत अजीब है। ये देखो छोड़ के दिखा देता हूँ मैं जोड़ा ही वाला। ये पाकिस्तानी कबूतर है, तो जमीन पे पैर नहीं रखता। क्या हुआ था? ये किन में से उस्ताद जी? ये भी कबूतर जी अपना है, ये पुराना ही है। अच्छा पुराने कबूतर है ये उस्ताद जी ने अपने खुद ही जाती कबूतर है इनके, बिल्कुल खुद से बनाए हुए हैं। एक जोड़ा बिल्कुल एक सन्ना जोड़ लगाया है। इसके बच्चों का क्या रिजल्ट है उस्ताद जी? बच्चे भी दिखाते हैं जी, 14 घंटे उड़ जाते हैं छत पर खुले कबूतरों में। खुले कबूतरों में सबसे बड़ी बात है, खुले कबूतरों में उड़ जाते हैं, बंद करने की जरूरत नहीं। ये है पहली कली का बच्चा, महबूब के पास कितने बजे बैठा था बाजी में? 3 बजे बैठा था। दिखा शागिर्द है आपके? शागिर्द है उनके यहाँ, 3 बजे बच्चा गिरा था पहली कली का। क्या बात है, रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। ये किन में से उस्ताद जी? घर के ही है? ये भी घर के ही है जी। अच्छा ये उस्ताद जी ने घर के बनाए हुए हैं? ये बिट्टू के पास से आया कबूतर, इसके पास से। अच्छा ये बिट्टू पाजी के घर से आया है कबूतर, देखना कितना लंबा है। ये मादी लगाई हुई है इससे। ये कबूतर देखो आप, बिस्कुट बाजी कबूतर पैर देख, घर से ही बनाया हुआ है? नहीं लाए हुए हैं बिट्टू भाई। आंख देखें इसकी, पैर देखो इसके, इतने काले पैर। ये देखो जाम नहीं क्या, बिल्कुल काले ही पैर हैं। ऐसे पैरों का कबूतर देखने को नहीं मिलता, मैं पहली बार देख रहा हूँ खुद यहाँ पे। बहुत छत पर गया हूँ पर ऐसे पैरों के कबूतर मुझे कभी नहीं मिले देखने को। और ये देखें इसकी कुंदे पूछ तक, इसकी जो ना ये हाइट देखें जरा, एक मिनट हाइट और लेंथ देखें इस कबूतर। ये पाकिस्तानी का बच्चा है ये? अच्छा ये पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी का बच्चा है, ये पाकिस्तानी कबूतर का बच्चा है जो जोड़ा मैंने अभी आपको दिखाया हुआ है। ये पलके देखो आप इसकी, किस तरह की पलके हैं। आंख भी बिल्कुल चिट्टी आंख, तिल का झुकाव बिल्कुल चोंच की तरफ। ताजी उड़ाया है ये बच्चा? उड़ाया। अच्छा कलियों में है। अच्छा पर घेरे हुए हैं इसने, और
ये ढाई बजे तक गिरा है, ये देखो ये तो बिल्कुल सारे इन्होंने जामनी पैरों के कबूतर इकट्ठे करे हुए हैं, सारा असला इन्हीं में से है। क्या बात है, ये छोड़ो क्या? नहीं छोड़ना है, नहीं फाड़ना, नहीं फाड़ना है। ये भी मेरा मेन जोड़ा जी, ये मेन जोड़ा है आपका? क्या तीन चार जोड़े हैं ना, ये मेन जोड़ा है उस्ताद जी का। आंखें देखें इस कबूतर की, ये देखें उस्ताद जी, तो मतलब ऐसे ही उड़ते होंगे बस, इन्हें कुछ मतलब कोई करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी छेड़छाड़। अच्छा अच्छा, ये देखो सारे जामनी पैरों के उस्ताद जी ने मतलब सारे एक ही नस्ल बनाई हुई है क्या? ये चमकीले की पट्टी है। अच्छा लो, चमकीले की पट्टी जरूर दिखानी है मुझे। के पास है कबूतर, ये कबूतर है ये देखो, और ये चमकीले की पट्टी है। जो चमकीले की पट्टी मैंने एहसान भाई के छत पे चमकीला दिखाया था ना, उसकी पट्टी है जो इनका शौक का कबूतर है उस्ताद जी के। ये इसकी पट्टा जो है इसका मेरे टोलियाल में, अच्छा 7 बजे तक उड़ गया, 7 बजे तक टूर्नामेंट में। क्या बात है, टूर्नामेंट के मतलब ये जो छत पे उड़ता है कबूतर रोज में उसका नहीं टाइम गिनाते, जो मैच में या बाजी में उड़ता है उसका ही टाइम बता। ये किन में से है जी? ये लखा के माँ बाप, लखा नहीं, मेरे लखा नहीं है। अच्छा अच्छा, उसके माँ बाप उनमें से है। ये कितना उड़ा है? बच्चे उड़ते, बच्चे उड़ते। अच्छा बच्चे उड़ते हैं, आपने उड़ाए? जोड़े ही हैं। अच्छा ये उस्ताद जी की उस्तादी है, ये मतलब बच्चे उड़ते हैं इनके, कबूतर उड़ो ना उड़ो यहाँ सब उड़ जाता है। ये बाप है उसका, लखे का, ये लखे का बाप है। क्या बात है, तो उस्ताद जी तो बस ऐसे ही अधेड़ में उड़ते होंगे, आधे आसमान में, आसमान में भी ऊपर भी चले जाते हैं, नीचे भी चले जाते हैं। बिल्कुल बड़ी खड्डी के कबूतर है, कम से कम भी 20 मोड़े करते हैं कबूतर, तेज बहुत है। पैर 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 देखो, ये देखो सारे जामनी पैरों के कबूतर है, इसके तो बिल्कुल ही जामनी हो रहे हैं। एक काले पैरों को भी कबूतर दिखा दिया, जामनी पैरों का तो काले पैरों का देखो कबूतर। ये किन में से होता है? बिट्टू के पास। अच्छा बिट्टू भाजी, ये किन में कबूतरों में से है आप? अच्छा घर के में कबूतरों में से नहीं है? ये सबसे बड़ी बात, ये क्रेडिट नहीं मारते जिसका, अगर इन्होंने बोला है बाहर से लाया तो बाहर से बताया, ये नहीं इनको अच्छा कबूतर उड़ा है मेरे घर से है, ये लाए हुए हैं।